जिहाद एहतसाब का मामला है। इसके पहले तो हम अपोजिशन में थे, एक रुख देखते थे इस मामले का, और हमें जो सरान है हुकूमत के, उन्होंने बड़ा वाजे कहा है कि अगर ये नायब रहेगा तो हमने कोई फैसले नहीं करने, हुकूमत नहीं चलेगी। तो आज हुकूमत के पास एक बड़ा फैसला है कि नायब को ख़त्म करना है या रखना है। और मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि आपके पास चॉइस यही है कि या नायब को चलाएं या हुकूमत चलाएं। ये फैसला आज हम सब ने करना है। इसमें यकीनन जो अपोजिशन है, जो अब हुकूमत में है, केसेस सारे उसी पर बने हुए हैं, तो इल्ज़ाम ये लगेगा कि ये अपने केस ख़त्म करवाना चाहते हैं। इसका हल क्या है? हल यही है कि आप नायब को ख़त्म करें, अपोजिशन के केस रहने दें, और इन अदालतों में टीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि ये नायब कर क्या रहा है। इसलिए यही वाहिद हल है। अगर ये इदारा रहेगा आपका मुल्क नहीं चल सकता। आज जो मामलात बिजली के हैं, जो गैस के हैं, तेल के हैं, इनकी सबसे बुनियादी वजह नायब का वजूद है। जो इन महकमों के अफराद ने हशर देखा है, जो अफसरान उनसे पहले थे, जो आज 6-6 साल से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्होंने 2-2 साल जेल काटी है, तो उसके बाद कोई शख्स भी काम करने को तैयार नहीं है। तो आज ये सबसे बड़ा फैसला हुकूमत के सामने यही आएगा। इसका हल मैंने आपको बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि काबीना एक बेहतर फैसला करेगी, और अवाम भी इस फैसले को ये समझेंगे कि मुल्क के मुफाद में है, किसी ने अपने ज़ाती केसेस के लिए नहीं किया, और ज़ाती केस रहने दें। जो सियासतदानों पर केस हैं वो आप रहने दें, उनको चलाएं, ताकि कोई ये शुबा ना हो कि ये शायद अपनी जान बचाना चाहते हैं। हालांकि आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है, और आज नैब ख़त्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। लेकिन और भी तरीके हैं एहतसाब के, और वो तरीके जिस शख्स ने मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुंचाया है, उसको जवाबदेह अवाम के सामने होना पड़ेगा। जी अच्छा शाह साहब, आप लोग हुकूमत में आने से पहले जिस से बात होती वो कहते थे कि हम इंतकाम नहीं लेंगे और कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज़ शरीफ ने हलफ उठाया, वो अपनी हर स्पीच में इमरान खान का नाम लेके बात करते हैं, आप लोग भी गुजरा हैं, वो भी इमरान खान का नाम ले रहे हैं, और मुकायदा मुकदमात का कहाँ जा रहा है, तो ये फ़र्क तो फिर कोई ज़्यादा ना हुआ, सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क हुआ कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती थी। ये आपको बात करनी पड़ती है कि पिछली हुकूमत कर क्या रही थी। हमने किसी की हद तक नहीं की, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी को गाली नहीं निकाली, लेकिन मुल्क के हकायक की बात तो आपको करनी पड़ेगी। जो करप्शन हुई है उसको, जो निज़ाम है उसके अंदर लाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि किसी ने डाके डाले हों और सबूत हो। हम किसी पर बेजा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम किसी को जेलों में नहीं डालेंगे, लेकिन जो इंसाफ का निज़ाम है उसके तहत जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है उनको जवाब तो देना पड़ेगा। आइनी अहदेदारों को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क का सदर एक दिन बीमार हो और एक दिन ठीक हो जाए, और वही मुल्क का सदर जो रात के अंधेरे में पंजाब के गवर्नर को बदल सकता है, ठीक है, रोड अंधेरे में मुल्क के पंजाब के गवर्नर को बदल सकता है, वो आज 5 दिन से समरी लेकर बैठा हुआ है और उसको अप्रूव नहीं कर रहा, और गवर्नर बयान दे रहा है कि सदर जो है वो गवर्नर को बदलता है। हालांकि सदर सिर्फ जो वफाकी हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस पर ऑर्डर जारी करता है। तो ये बदनसीबी है कि आज आरिफ अलवी साहब भी आइन को भूल गए हैं। आइन पढ़ लें, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। वो इमरान खान के सदर नहीं हैं, वो पाकिस्तान के आइनी सदर हैं, उसके मुताबिक उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और ज़िम्मेदारी इस तरह अदा करनी चाहिए कि आज जो हुकूमत आई है उसको ये महसूस ना हो कि हम जब आए हैं तो मुल्क का सदर जो है वो मुल्क के आइनी सदर से हट कर PTI का सदर बन गया।
अच्छा सर, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, इलेक्शन की क्या तैयारी किया जा रहा है? मर्दमशुमारी पर जो है तमाम ही अपोजिशन जमातों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी लाहक थी पहले, और वो बयान भी दे चुके हैं इस पर, तो अब क्या पहले मर्दमशुमारी होगी उसके बाद दोबारा इलेक्शन की तैयारी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें 7 महीने दरकार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। ये फैसला कि इलेक्शन कब होंगे ये अपोजिशन करेगी। आपकी हतमी तारीख जो है वो 17 अगस्त 2023 है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं, उससे पहले भी करवा सकते हैं। ये फैसला अपोजिशन ही करेगी। लेकिन जिस मुल्क में 7 महीने का वक्त दरकार हो इलेक्शन करवाने के लिए, तो आपको 7 महीने के केयर टेकर सेटअप, उस ये जो हमारे आज माशी हालात है इसका मुतहम्मल मुल्क नहीं हो सकता कि 7 महीने का केयर टेकर सेटअप। ये इलेक्शन कमीशन का काम है जी, और जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वाकई उन्होंने दिए हैं या ज़बरदस्ती करवाए गए हैं, क्योंकि इस्तीफे जो आए हैं वो एक साइक्लो स्टाइल पेपर बनाए हैं, इस पर थोड़ा इबहाम है। बहरहाल वो अगर इस्तीफे देते हैं उनकी आइनी हक है और बाई इलेक्शन हो जाएंगे। आप काबीना का हिस्सा कब बनेंगे? और दूसरा ये कि आवाम तो महंगाई के हाथों पहले ही बहुत तंग थी, कहीं मजीद तंग तो नहीं आ जाएगी? हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया तकलीफ दे फैसले आपको करने पड़ेंगे, उसी से मुल्क के मामलात का रुख बदलेगा और आपको वाजे एक फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जो तबाही फैलाई गई है 4 साल में, वो एक दिन या एक हफ्ते में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ एक रुझान देखिए। तकलीफ सबके लिए होगी जब हुक्मरान अपने आइनी जिम्मेदारियों से, अपनी हुकूमती जिम्मेदारियों से इनहराफ करें और ऐसे फैसले करें जिसका कोई वजूद ना हो, ना अकल तस्लीम करती हो, ना आपके फंडिंग हो, ना आपके बजट में गुंजाइश हो। वो फैसले हमेशा उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। तो अब हमारी कोशिश है कि उस बोझ को कम से कम करके मुल्क के हालात को दुरुस्त किया जाए। शाह साहब, आपकी हुकूमत बनने लगी तो डॉलर एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ, लेकिन कल उसने दोबारा जम पारा, फिर 3-4 रुपए बढ़ गया। जी, ये होता है, ये जब आपकी हुकूमत चलेगी तो इंशाल्लाह इसमें इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम लाने के बाद आप तरक्की देंगे तो ये मामला नीचे आएंगे। डार साहब का अपना फैसला है, वो मुल्क से बाहर हैं, मेरे ख्याल वो आना चाहते हैं और तशरीफ ले आएंगे। ये पार्टी का फैसला नहीं है, उनका ज़ाती फैसला है। कब जा रहे हैं आप? कब हलफ उठा रहे हैं? मैंने हलफ लिया था एक दफा। अदालतों में फिर से।